पूर्णिया के धमधा अनुमंडल के ठारी राजो पंचायत में संत मत सत्संग का भव्य आयोजन किया गया। संत मत सत्संग का आयोजन राजो पंचायत नंदग्राम में स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद यादव के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित की गई थी। इस सत्संग समागम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया एवं सत्संग का लाभ लिया। इस मौके पर श्रीमती मीला देवी के द्वारा भंडारा का भी आयोजन किया गया था, जहाँ सत्संग प्रेमियों ने भंडारा का आनंद लिया। सत्संग में मुख्य रूप से वक्ता के तौर पर स्वामी शिवानंद बाबा, रामसागर बाबा, किशन बाबा, सिकंदर बाबा, नूतन देवी, रोशनी देवी, रूबी देवी, रूपेश कुमार यादव, नंदनी देवी, अनुमन कुमार यादव, दिव्यांग कुमार यादव, ऋषि कुमार यादव समेत कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस सत्संग समागम में दूर दराज से आए लोगों ने भी सत्संग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, साथ ही सत्संग का लाभ लिया। झोपड़ी में क्यों रहते हैं? उनके हाथ धन की बड़ी कमी रहती है और तुम जो उनकी इतनी बड़ाई करते हो तो तुम भी निर्धन क्यों? नानक साहब कहते हैं, हक्का करीम कबीर तो बे ऐब परवरदिगार, नानक निज कहे विचार अध्यानुक रूप रहा कर। कपड़ा बुनने वाले के रूप में कुल मालिक है। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का हिवरते नहीं भारत, शुद्ध पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। वे यह दिखाते हैं कि संसार में अर्थाभाव में रहकर भी भक्ति हो सकती है। एक बार उनके विरोधियों ने पर्चा छपवा दिया, कबीर साहब 3 दिनों का भंडारा करेंगे और दक्षिणा में 1 मोहर देंगे और 1 दोहर देंगे। मोहर 10 ग्राम के सोने की चकती को कहते हैं और दोहर कहते हैं बेशकीमती साल। यह पर्चा चिट्ठी दूर दूर तक भेजी गई और निर्धारित तिथि में बहुत लोग आ गए बनारस में। मालूम हुआ रैदास जी, रैदास जी ने कहा कि बनारस में रहना मुश्किल हो जाएगा, विरोधियों ने भ्रम फैला दिया है और लोग भी बहुत आ गए हैं। कबीर साहब ने कहा वो घर से नहीं, लोग देखेंगे घर की व्यवस्था नहीं है तो संध्या अपने घर चले जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो सतलोक से परमात्मा आए कृषक बंजारा के रूप में तो कबीर साहब का रूप धारण किया, कबीर साहब को शिष्य का रूप धारण किया और उसने इतनी व्यवस्था कर दी। तो इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना स्वादिष्ट भोजन, लोग खाते 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और हर बार मोहर मिलता और दोहर भी मिल जाता। तो 3-4 लाख लोगों का भोजन हुआ। यह सुनकर बनारस के राजा धीर सिंह बघेल पहुंचे देखने के लिए। ऐसी व्यवस्था कोई राजा महाराजा नहीं कर सकता है। और बनारस के दिल्ली गए थे सिकंदर लोधी, वो बनारस के आसपास थे, वे भी देखने आए। तो दोनों राजा कबीर साहब से बड़े प्रभावित थे, देखा इतनी अच्छी व्यवस्था है। तो बंजारा से व्यापारी से पूछा, कबीर साहब कहाँ हैं? मैं उनका शिष्य हूँ, कबीर साहब भी आए नहीं, भोजन आप भी कर लीजिए। सिकंदर साहब ने कहा मैं पहले दर्शन करूंगा महा। तो हाथी पर सवार होकर कबीर साहब के झोपड़ी पर उनके सेवक ने किवाड़ी में दस्तक दी, खटखटाया तो कबीर साहब ने कहा रदा जैसे देखो तो खिड़की हाथ के किवाड़ी के सुराख से
देखा तो कहा कि तुम आस्था सिकंदर लोधी है तो किवाड़ी खोली। कबीर साहब ने कहा मेरे नाम से झूठी चिट्ठी दी गई है, मैं इतना व्यवस्था कहाँ करूँगा, इसलिए संकोच के मारे में घर में। सिकंदर लोधी ने कहा मैंने तो पूरी व्यवस्था देखी है और एक व्यापारी आपका अपना अपना सिस्टम बताता है, चलिए आप भी दर्शन दीजिए लोगों को। तो बंजारा ने व्यापारी ने उनके लिए व्यवस्था की, बैठने की चौकी लगाई। कभी सब आए बैठ गए, सब लोगों दर्शन किए और बंजारा ने जिज्ञासा की और कबीर साहब ने समाधान दिया तो अच्छा सत्संग हो गया। फिर सबके देखते देखते जो अन्न बचा था बंजारा से, कई बैल बैलों पर लाद के बंजारा चला और गंगा नदी के पार जाके विलुप्त हो गया। तो लोगों ने पूछा कबीर साहब से कि कहाँ से आया, कि कौन कहाँ चले गए। बोले जहाँ से आया था वो चले गए, सतलोक से आए थे। कबीर साहब ने कहा ना कुछ किया न कर सका, न करने जोग शरीर, जो किया सो साहिब किया, भया कबीर कबीर। तो कबीर साहब के से की दीक्षा लेने वाले उस समय 64 लाख लोग हो गए थे और अपने में झोपड़े में रहते थे। तो दादू साहब कहते हैं वे बड़े समर्थवान हैं, दादू नाम कबीर का सुनके कांपे काल, नाम भरोसे जो चले होए न बाका बा। थे वो आदमी को मारते मारते सब तहस नहस करके हाथ उठ काट करके मार दिया और आंख निकाल दिया। तो कहने का मतलब है तो भगवान बुद्ध से कहा ये तो जीवन मुक्त थे, ये काल का बंधन से मुक्त थे, इस पर कोई बंधन नहीं था, लेकिन ऐसा हालत क्यों हो गया अंतिम काल में। तो तब कहा कि देखिए एक जन्म में अपने अंधे माता पिता को एक जंगल में छोड़ दिया था और जो है माता पिता को बदमाश ने बहुत बुरी तरह से मारते मारते मार दिया, वही जन्म का पाप यह जन्म में भोग रहा है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, पाप का कर्म भोगना ही पड़ेगा चाहे कोई हो। पाप तो अभी गुरु महाराज का प्रवचन में हम लोग सुने, सज्जन कौन होते हैं और दुष्ट दुर्जन कौन होते हैं। जो सज्जन का आचरण पवित्र होता है, जो झूठ नशा चोरी हिंसा व्यभिचार मांस मछली पांच पाप नहीं करते हैं वे सज्जन कहलाते हैं, वे साधु कहलाते हैं, वे भक्त होते हैं। जो पांचों पाप करते हैं उससे कोई काम बाकी नहीं रहेगा, वह दुर्जन वही दुष्ट है। तो यदि सज्जन बनना चाहते हैं, परमात्मा का भक्त बनना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं तो पांच पाप कर पाप को छोड़िए तो सज्जन बनिएगा, परमात्मा के दरबार में आपका आदर होगा, सम्मान होगा। सत्संग करते हुए यदि शरीर छोड़िएगा तो आपको विमान में बैठा करके आदर के साथ देव सभा में ले जाएंगे और पुष्पमाला पहनाएंगे, बहुत आदर होगा। तो इस तरह का जो मरते हैं मरने का समय में कोई कष्ट नहीं होता है। अब इस विषय पर व्याख्या पूज्य पाद हुजूर से बहुत सुंदर ढंग से सुनेंगे। टीबीएस का नया शोरूम अब पॉलिटेक्निक चौक पर गर्ग यूबी टीबीएस पूर्णिया। 35 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में नए ब्रांच के साथ
प्रत्येक टीवीएस की खरीदारी पर पाएं एक निश्चित उपहार। अगर आप टीवीएस गाड़ी के शौकीन हैं और गाड़ी खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, मात्र 4,999 रुपए में डाउन पेमेंट पे ले जाएं टीवीएस की टू व्हीलर गाड़ी। फाइनेंस की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गर्ग यूबी टीवीएस नियर इंडियन पेट्रोल पंप पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया। कॉन्टेक्ट नंबर 9031780331, सेकेंड नंबर 9472069792। विशप स्कॉट गर्ल स्कूल, द ओनली गर्ल्स स्कूल विथ बोथ हॉस्टल एंड डे बोर्डिंग फैसिलिटीज इन द पूर्णिया, ए प्लेस वेयर एजुकेशन ट्रांसेंड बाउंड्रीज विथ इट्स मोटो, एजुकेटिंग एम्पावरिंग इनेबलिंग द स्कूल celebrates diversity and encourage passion and talent, where every girl is empowered and well equipped to lead life with pride and dignity. Hostel facilities available and designed to provide comfortable and conducive environment for the girls. Namankan prarambh hai. Admission open session 2024-25 ke liye. आज ही संपर्क करें विशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल, सुधा डेयरी, बाईपास रोड, मरंगा, पूर्णिया। कॉन्टेक्ट नंबर 6201277639, सेकंड नंबर 8709499506।